हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा, amritamishra.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम घर में इंस्टेंट खोआ बना सकते हैं। जी हाँ, बिना दूध के, बिना किसी मेहनत के। और आजकल मार्केट में क्या हो गया कि बहुत ही ज़्यादा नकली खोआ मिलने लगा है मार्केट में, तो जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमें छोटे बच्चे भी घर में खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो नकली खोआ क्योंकि त्योहार के टाइम में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रहता है, तो क्यों ना घर में। और फिर दूध का जब हम बनाते हैं अपने घर में खोआ, तो वो उसके बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। तो मैं आपको बहुत ही इजी वर्जन बताऊंगी, जिससे आप घर बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर खोआ बना सकते हैं इस आसान ट्रिक के साथ। वो भी घर का एकदम अच्छा खोआ, प्योर खोआ बन के तैयार हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं केवल 3 इंग्रेडिएंट से। रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। इसके लिए हमने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, कोई भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और जिस कप से हम मिल्क पाउडर लेंगे, उसी कप से हम आधा कप दूध लेंगे। ये रेशियो आपको याद रखना है, आपको अब जितने भी क्वांटिटी में बनाना है आप उस हिसाब से ये रेशियो बढ़ा लीजिए। अगर आपको और ज़्यादा बनाना है तो आप इसी हिसाब से बस अपना रेशियो आप कर सकते हैं। तो 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, तो आधा कप मैंने दूध लिया है, और 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी का यूज़ किया है। अब बस गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें दूध लेके डाल देंगे अपना, ऐड कर देंगे, और ये जो घी थी ये लेके डाल देंगे। घी को बस थोड़ा सा इसमें मेल्ट होने देंगे हम। घी कुछ ही सेकंड में मेल्ट हो गया है, अब हम धीरे धीरे करके ये जो मिल्क पाउडर है ये लेके ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम आपको याद रखनी है कि एकदम स्लो होनी चाहिए, और जल्दी जल्दी हम इसको स्टर करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। एकदम गैस की जो फ्लेम है, मैं बार बार कह रही हूँ, एकदम स्लो रहनी चाहिए। इसको लगातार हम चलाते रहेंगे, और ये आप देखेंगे कितना जल्दी हमारा ये खोआ बनके तैयार हो जाता है घर में। अब क्योंकि दीपावली आ रही है तो घर में मिठाइयाँ बनती हैं, खोए की और सारे स्वीट डिशेस बनती हैं, तो उसमें खोए का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। ये देखिए कितने आसान ट्रिक से आप बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही जल्दी हमारा खोआ बन के तैयार हो जाता है, लगातार बस आप इसको चलाते रहिए। ये देखिए कैसे अभी गाढ़ा होने लगा है, धीरे धीरे ही अपने आप ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा। देखिए कितने आसानी से बन रहा है, ये अपने आप देख रहे हैं आप, ठीक होता जा रहा है। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हुआ है, ये कैसे, ये देखिए अपने आप ये हमारा खोआ बनने लगा है, ये अपने आप खोए की कंसिस्टेंसी में आ जाता है, जमने लगता है। ये देखिए कितने आसानी से बन रहा है ये, और एकदम इसमें खोए का फ्लेवर आता है, ये बहुत ही अच्छा खोआ बन के हमारा तैयार हो जाता है। ये अभी आपको ऐसे थोड़ा गीला लग रहा है, लेकिन ये देखिए ये कैसे कढ़ाई छोड़ने लगा है, बस यही इंडिकेशन है ये खोआ हमारा बन गया है। बस इसको बहुत ज़्यादा हमको नहीं पकाना है, बस 2 मिनट में ये हमारा बन के तैयार हो जाता है, बस तुरंत हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए कैसे अलग हो गया है, अभी ये जब थोड़ा ठंडा होता है तो एकदम ग्रैनुलेटेड हो जाता है, जैसे कि नॉर्मल खोआ जब आप बनाते हैं दूध को पका के, तो वैसे ही ये थोड़ी देर में जब ठंडा होता है तो इसका टेक्सचर एकदम वैसा ही हो जाता है। ये देखिए 2 मिनट के अंदर हमारा खोआ बन के तैयार हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये बहुत ही आपका समय भी बचाएगा, साथ ही साथ आपको इस त्यौहार में मिलावट से भी बचाएगा। और ये बहुत ही इजी ट्रिक है, आप एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करेंगे, और आप टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि इसके खोए कितना अच्छा एकदम नॉर्मल खोए जैसा लगता है, इसका टेक्सचर भी एकदम खोए जैसा लगता है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो एकदम ग्रेनुलेटेड हो जाता है, जैसे कि नॉर्मल खोआ आप मार्केट से लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, बाय।